ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में सुपर संडे को बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कमजोर मानी जाने वाली नीदरलैंड ने एडिलेड में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 13 रनों से हरा दिया और अफ्रीका टीम इस हार के साथ ही अब वर्ल्ड कप T20 से बाहर हो गई है, जबकि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। और अफ्रीका की इस हार के बाद पूरा समीकरण बदल गया और आज भारतीय टीम का मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ है और अगर भारतीय टीम ये मुकाबला हार जाती है तो भी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम 6 पॉइंट के साथ ग्रुप में टॉप पर हुई है, जबकि अफ्रीका 5 पॉइंट के साथ बाहर हो गई है। अफ्रीका के पास यहां पर जीत दर्ज करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन कमजोर नीदरलैंड के सामने अफ्रीकी टीम फिसड्डी साबित हुई और मुकाबला हार गई और अफ्रीका टीम एक बार फिर से चोकर साबित हुई है। और वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में दूसरा मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है और पाकिस्तान लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। और पाकिस्तान की इस जीत के बाद अब एक बार फिर से वर्ल्ड कप फाइनल में भारत पाकिस्तान मुकाबले की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में जीत दर्ज करती हैं तो फिर इन दोनों टीमों के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।